डॉक्टर अम्बेडकर नौजवान दल जिंदाबाद, डॉक्टर अम्बेडकर नौजवान दल जिंदाबाद, डॉक्टर अम्बेडकर नौजवान दल जिंदाबाद। आज संयोजक और संयोजक तथा संरक्षक का चुनाव दल के प्रधान कार्यालय डॉक्टर अम्बेडकर नौजवान दल प्रधान कार्यालय करतार नगर मॉडल टाउन लुधियाना में संपन्न हुआ। आज से हमारी क्या नाम है संरक्षक रामसेवक भारती जी, संयोजक मानवर छेरीलाल जी, उप संयोजक मानव रजिंदर जी चुने गए हैं। इन लोगों को आज से हमारी संस्था अध्यक्ष संयोजक और उप संयोजक संरक्षक मानती है। और आज हम ये हिदायत देते हैं अपने सभी साथियों को, जो लोग केंद्रवाड़ी या डॉक्टर अम्बेडकर नवयुवक दल के खिलाफ या अनुशासन में पकड़े जाएं, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। केंद्र ने फैसला करके आपस में सर्वसम्मत से जो मुझे संयोजक का पद दिया है, मैं उस पद को बड़े सूझबूझ और ईमान निष्ठा से उसकी पूर्ति करूंगा, चलने का प्रयास करूंगा। जो भारतीय डॉक्टर अम्बेडकर नौजवान दल से आज जो है संरक्षक के रूप में जो हमें पद दिया गया है, उसको मैं सही सलामत से ठीक तरह से जैसे आगे संयोजक की तरफ से काम करते थे, ठीक उसी प्रकार से और भी बढ़ चढ़ के काम करेंगे। इन सब सब जय भीम जय भारत। सुदर्शन कुमार बौद्ध, उपाध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर दल स्टेट पंजाब। आज डॉक्टर अम्बेडकर जो दल के केंद्रीय कार्यालय पर माननीय अध्यक्ष रामदास जी की अध्यक्षता में दल के मुख्य पद संरक्षक के तौर पर माननीय रामसेवक भारती जी, संयोजक के पद पर माननीय छेदीलाल गौतम जी एवं उप संयोजक के पद पर माननीय राजेंद्र कुमार गौतम जी को नवनिर्वाचित चुने गए हैं। उन सभी पदाधिकारियों को मैं लाख लाख बधाई देना चाहूँगा। साथ ही आज की जो अध्यक्षता में मैं मानवर राम प्रसाद जी जिन्होंने कहा रामदास जी जिन्होंने कहा कि अनुशासन के हिंता में जो भी आज के तारीख में पाए जाएंगे उनको हम सख्त कार्रवाई करेंगे, तो हम सभी मिलकर के एक संकल्पित तौर पर सभी ने एक सुर से इस बात को माना है कि आज के तारीख के बाद दल के पुराने इतिहास के तौर पर, पुराने संविधान और उद्देश्यों के तौर पर हम लोग एकजुट होकर के काम करेंगे। यह दल जो है 1984 में स्थापना इसलिए की गई थी कि अपने दबे कुचले जो समाज हैं, खास करके SC ST OBC जो समाज के अंदर में काफ़ी उनकी जो है सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, धार्मिक तौर पर प्रताड़ित की जाती रही हैं शुरू से, उनको शैक्षणिक और सामाजिक और राजनीतिक तौर पर मजबूत करने के लिए अपने दल के संविधान के तहत काज कर करके उनको जन जन तक पहुँचाने का काम करेंगे। और ऐसा मान करके हम सभी चल रहे हैं कि आज के बाद जो हमारे दल के जो अधूरे कार्य हैं पूरा करने में हम लोग कैबिनेट जो नए चुने गए हैं 2019 में, ये सभी मिल करके आपस में भाईचारा कायम करके आपस में मिल करके हम लोग पूरे जोर तोड़ से काम करने का संकल्प लिए हैं। अब आशा और उम्मीद करते हैं कि जो हमारे आज के संयोजक चुने गए हैं और जो संरक्षक चुने गए हैं और इनके आदेशानुसार जो भी ड्यूटी लगाई जाएगी, ये दल के सभी पदाधिकारी और सभी क्षेत्रीय जो कार्यकर्तागण हैं वो सभी तत्पर होकर काम करेंगे। जय भीम जय भारत। और उम्मीद करता हूँ कि ये जो हमारे महापुरुष हैं ये हमारे एक तरह से मार्गदर्शन करेंगे और दल को आगे ले जाने के लिए, बाबा साहब की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारा सहयोग करेंगे, ताकि जो हमारा दबा कुचला समाज है वो बाबा साहब की बातों को, बाबा साहब की शिक्षाओं को कम से कम समझ सके और अपने जीवन में उतार सके। और